हालांकि जिन फैक्टर्स की अप्पू जी यहाँ पर बात कर रही हूँ उस पर मैं चाहूंगी आपका जवाब, क्योंकि लिंगायत फैक्टर देखिए यहाँ पर 34 बीजेपी, कांग्रेस की 67, जबकि यहाँ पर एक अन्य के खाते, एक साथ जेडीएस और एक अन्य के खाते में भी गई है। मैं इन्फॉर्मेशन वॉल का भी यहाँ पर निधि अब रुख करना चाहूंगी, क्योंकि इन्फॉर्मेशन वॉल पर भी इसी बारे में चर्चा को हम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ये जानते हुए कि आखिर वो कौन से बड़े फैक्टर्स हैं जो इस जीत में बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि कांग्रेस जिस तरीके से बीजेपी से डबल इन आंकड़ों के लिहाज से नजर आ रही है, अभी तक की टाली भी देखिए जहां बीजेपी 66, कांग्रेस 135 और जबकि जेडीएस 19 और अन्य के खाते में 4, ये टाली नजर आ रही है इस वक्त की। लेकिन कौन से इंपॉर्टेंट ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके बिना पर कांग्रेस को ये बड़ी जीत मिली है, और किस तरीके से लिंगायत वोट बैंक को लेकर जो हम बात करते आए हैं, लिंगायत फैक्टर की जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, वहां देखिए बीजेपी के खाते में जाती है 34 और 67 कांग्रेस जीत हासिल कर पाई है, 7 जेडीएस और अन्य के खाते में महज 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, किसको कितनी सीट मिली है ये फिलहाल इस वक्त टैली में नजर जरूर आ रहा है, लेकिन ये अक्कू सर कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर साबित हुआ है जीत के लिहाज से भी? देखिए जहां तक जीत का सवाल है, कांग्रेस ने, जैसा हम सब लोग जानते हैं कि कर्नाटक 6 हिस्से में बटा है और 6 हिस्से का पूरा एक शुरुआत के दौर पे वो पैन कहीं नहीं नजर आ रहा था, अलग अलग वोटिंग पैटर्न हुआ करते थे, लेकिन कांग्रेस की इस जीत ने ये साबित किया कि वो जीत का पैटर्न भी एक हो सकता है। कोस्टल कर्नाटक का आप हाल देखिए, कोस्टल कर्नाटक में पिछली बार सिर्फ 3 सीटें कांग्रेस को मिली थी, इस बार 8 सीटें हो गई, जो कि नहीं मानी जा रही थी कि इतनी सीटें कांग्रेस ले जाएगी, खासतौर से जब बजरंगबली और वोट का जो तरीके साम्प्रदायिकरण हुआ उसको देखते हुए लग रहा था कि नहीं नहीं वहाँ तो अब 21 की 21 सीटें ले जाई जाएंगी। इसी तरीके से कर्नाटक जो मुंबई कर्नाटक है उस वाले एरिया में भी बहुत अजीबोगरीब स्थिति रही, और वहाँ जितनी आपने मुंबई कर्नाटक का किया, एक और फिगर मेरे पास है, मैं चाहूंगी पीसीआर दिखाइए, ये दूसरा फैक्टर भी जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे जिसका यहाँ जिक्र करा है, लेकिन हैदराबाद कर्नाटक ये दिखा रहे हैं 31। अब यहाँ 31 के साथ साथ इस फैक्टर पर बात करने के साथ साथ मुंबई कर्नाटक, जी हाँ बिल्कुल, मैं यही चाह रही थी कि आप दिखाएं, और यहाँ पर 50 में से देखिए 17 पर बीजेपी जीत हासिल करती नजर आई है, जबकि कांग्रेस 32 और जेडीएस के पास 1 और अन्य के खाते में 1-0 यहाँ पर है। हालांकि मुस्लिम फैक्टर पर मैं चाहूंगी अशोक जी आप मुझे जरूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि इस मुस्लिम फैक्टर में देखिए जिस तरीके से आप अभी भी चर्चा कर रहे थे, 38 में से 12 बीजेपी जीत हासिल करती नजर आई है, जबकि 23 कांग्रेस, जेडीएस 2 और अन्य के खाते में महज 1 गया है। इस मुस्लिम फैक्टर के साथ साथ ओल्ड मैसूर की आपने थोड़ी देर पहले बात की थी, और ओल्ड मैसूर जहां पर जेडीएस का दबदबा रहा है वहां पर किस तरीके से बड़ी सेंध लगाने में कांग्रेस कामयाब रही है, इसको लेकर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि बीजेपी हालांकि यहां पर सेंध लगाने में कामयाब नहीं नजर आई, 5 से संतोष करना पड़ रहा है बीजेपी को, जबकि कांग्रेस के खाते में 34 और जेडीएस के पास 14 और 2 यहां पर अन्य के खाते में गई हैं, और रूरल के लिहाज से भी यहां पर टैली फिलहाल क्या दिखा रही है उस पर भी नजर डाल लेते हैं चर्चा करने से पहले, क्योंकि अगर ग्रामीण इलाकों की बात करें तो यहां पर देखिए 38 पर बीजेपी जीत हासिल करती नजर आ रही है, जबकि 99 कांग्रेस और 18 जेडीएस और अन्य के खाते में जाती है महज 4। अशोक जी ये तमाम फैक्टर्स यहां तक ओल्ड मैसूर का है, मैंने तो आपको बता दिया कि वहाँ वो मुस्लिम फैक्टर बहुत बड़ा काम कर गया। ग्रामीण क्षेत्र में मैंने वही कहा कि जब कर्नाटक के हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं, कर्नाटक हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, तो यहाँ माइनिंग के बड़े बड़े भ्रष्टाचार होते हैं, वहाँ भ्रष्टाचार लोकल लेवल पर नहीं जाता, लेकिन जिस हिसाब से रूरल में भ्रष्टाचार ग्राउंड लेवल तक पहुँच गया था, पटवारी और जब हेल्थ सेंटर में भी कंपाउंडर भी आपसे पैसा लेने लगे, तब जाके पब्लिक आहत होती है। दूसरी बात, इंफ्रास्ट्रक्चर रूरल का बहुत मार खा गया था, उसमें बिल्कुल काम नहीं हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट की घोषणाएं तो होती थी लेकिन वो रूरल लेवल पे वो जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए रूरल ने जो एक ज़माने में गढ़ था बीजेपी का, क्योंकि बीजेपी ने पिछले कुछ दिनों में रूरल में बहुत अच्छा कवर कर लिया था, वो इस बार एन ब्लॉक कांग्रेस के साथ चला गया, ये नया चीज़ देखने को मिली है। जी देखिए मैं इसमें थोड़ा जोड़ सकता हूँ, जैसा है देखिए रूरल एरियाज में अर्बन एरिया से लगभग 9.5% वोटिंग ज़्यादा हुई है, ये इतना अंतर रहा है इस बार रूरल और अर्बन में, रूरल एरिया में ज़्यादा वोटिंग हुई है जबकि कम हो रहा है। अवधेश जी माफ कीजिएगा आपको रोक रही हूँ, कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं।